बैतूल के बहसदेही में एक अनोखा नवाचार हुआ है, जिसने भी यह देखा उसने खूब सराहा। जी हाँ, स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण मालवीय की श्रद्धांजलि कार्यक्रम में ऐसे गरीब बच्चों को रेडियो वितरित किए गए जिनके पास ना तो पढ़ाई के लिए मोबाइल है और ना ही टीवी है। ऐसे बच्चे जो कि रेडियो स्कूल से पढ़ाई कर सके, इस उद्देश्य को लेकर बहसदेही नगर के समाज सेवी अशोक मालवीय व शिक्षक गिरीश मालवीय ने अपने पिता की श्रद्धांजलि कार्यक्रम में बच्चों को रेडियो वितरित कर उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया है। नगर के सभी लोग जानते हैं कि हमारे पिताजी एक पुस्तक व्यवसायी थे या बुक सेलर के रूप में उनकी पहचान थी। उन्होंने शुरू से ही विद्यादान के क्षेत्र में पुस्तक विक्रेता के रूप में अपना योगदान दिया है। उसी चीज़ को हमारे मन में विचार आया, जिले से हमारे एक सामाजिक बंधु ने हमको प्रेरणा दी कि कोरोना काल में बच्चे पढ़ाई से वंचित है, ना उनके पास टीवी है ना मोबाइल है। ऐसे समय में वे पढ़ाई से वंचित ना हो तो बड़े भाई से मैंने अपना सहयोग मांगा, उन्होंने मुझे सहमति दी और हम दोनों के मन में विचार क्यों ना ऐसे बच्चे जो पूर्ण रूप से पढ़ाई से वंचित है, रेडियो देकर उन्हें पढ़ाई के साथ जोड़ा जाए ताकि वे शिक्षा के क्षेत्र में अपना विकास कर सके। निश्चित ही पिताजी के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में बच्चों और सामाजिक बंधु और स्वजाति बंधु की उपस्थिति ने हम लोगों को निश्चित रूप से आत्मबल प्रदान किया। अच्छा लगा कि पिताजी को सच्ची श्रद्धांजलि उनके शिक्षा के क्षेत्र में उनका पूर्व का जो संबोधन था उसको देखते हुए रही। निश्चित ही हमको आत्मिक शांति मिली और हमें लगा कि हमने एक सार्थक पहल करके समाज को एक दिशा प्रदान की। देखो शंकर राय जी, ये पहला मतलब के मामला ऐसा है, ये इनके द्वारा जो है पूरे मध्य प्रदेश में क्या भारत में भी ऐसी पहल इनके द्वारा अपने पिता की श्रद्धांजलि में नहीं की गई है। क्योंकि यह बेल्ट हमारा आदिवासी क्षेत्र बेल्ट है, उनको लगा कि श्रद्धांजलि के साथ साथ में हम बच्चों को जो कोरोना काल के दौरान जो पढ़ाई में बाधा उत्पन्न हो रही थी उसके संबंध में हमने सोचा कि बच्चों को 20 रेडियो वितरण कर ये जो आदिवासी बच्चे हैं इससे ये लाभान्वित होंगे। और इनके द्वारा जो प्रयास किया गया एक अभिनव प्रयास है, निश्चित तौर पर समाज में एक नई विचार उत्पन्न होगी इसमें। सर, क्योंकि आदिवासी अंचल होने के कारण नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं होती, जिसके कारण बच्चों की ऑनलाइन शिक्षा नहीं हो पाती है, लेकिन रेडियो वितरित करने से कहीं ना कहीं बच्चे अच्छी पढ़ाई भी कर पाएंगे। बच्चे बहुत, जिस दिन इन्होंने रेडियो वितरण किया बच्चे बहुत प्रफुल्लित थे, आनंदित थे और मुस्कुरा करके वे सहर्ष अपने घर की ओर रवाना हुए और इससे जो बच्चे निश्चित तौर पर लाभान्वित होंगे। सर, जिस तरह से एक समाज सेवी ने ये पहल की है, क्या लगता है आपको कि आगे भी इसी तरह लोगों ने मदद करते रहना चाहिए? मदद करते रहना चाहिए। हमारे बहुत से शिक्षक साथियों ने भी मदद की है, जिसमें जन शिक्षा केंद्र बराबपुर में 20 रेडियो, चिल्कापुर में 5 रेडियो दिए। हमारे जनपद शिक्षा केंद्र में ही पदस्थ शैलजा शिक्रवार ने प्राथमिक शाला धुड़िया पुरानी को एक LED TV वितरण की है। धावा संकुल में भी शिक्षकों के द्वारा LED TV खरीदी गई है, 3 प्रोजेक्टर खरीदे गए। चूँकि हमारा धावा क्षेत्र बेल्ट जो ऐसा है कि यहाँ पर रेडियो प्रसारण जो है ये अमरावती अकोला पकड़ता है, जिसके कारण उन लोगों ने रेडियो की तरफ ध्यान न देकर के LED TV खरीदने का पहल की है।